Hello everyone, in this quick video I'll tell you something about leverage. Leverage is a very abused word in the world of finance. अक्सर लोग उसको confuse करते हैं loans के साथ, जबकि futures में options की बात, मतलब I know how options work, everything works, लेकिन मैं options personally करता नहीं हूँ तो मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा बहुत जो futures का experience है, future trade में आप futures में अगर leverage लेते हो तो उसको आप ज़्यादा कमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आप हमेशा सुनते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, वो ऑप्शंस हैं। एवरी ईयर अगर आप निफ्टी को साल के बॉटम पे पकड़ें और निफ्टी में ही फ्यूचर्स करें, लेकिन अगर आप हर तीन महीने में एक्सपायरी के पहले उसको रोल ओवर कर रहे हो अच्छे से, अगर रोल ओवर ऑफ योर फ्यूचर्स, रोलिंग ओवर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल सेट। इफ़ यू कैन मास्टर दैट देन आप फ्यूचर्स में लेवरेज में ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपये कैपिटल है, 10 लाख रुपीज़ का कैपिटल है, तो एज़ पर नॉर्मल निफ्टी लेवरेज, एज़ पर नॉर्मल FNO, आप 50 लाख तक का माल उठा सकते हो। अब ऐसे बहुत लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जिनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो गलत प्रचार हो जाएगा। आप अगर हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लोगे तो उसमें आप सीखोगे कैसे पकड़ सकते हैं। बट देर आर लॉट ऑफ लेस रिस्की स्टॉक्स, लार्ज कैप्स, ब्लू चिप्स, जिसमें आप साल का कम से कम, अगर आप उसको एनुअल बॉटम पे पकड़ें और सिर्फ प्राइस एक्शन को ट्रैक करें और कुछ ट्रैक नहीं करना है, इफ़ यू कैन ओनली जस्ट ट्रैक एंड कैच द प्राइस एक्शन, प्राइस मूवमेंट समझें, जैसे रिलायंस में आप समझ सकते हो। एक एग्जांपल ले सकता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एक एग्जांपल के तौर पे एजुकेशनल पर्पसेस। उसका प्राइस एक्शन अगर आप समझ गए तो 12% साल में कमाना इन लार्ज कैप्स एंड ऑन द निफ्टी, 12% साल का कमाना इज़ नॉट एग्जैक्टली डिफ़िकल्ट। मैं सही बता रहा हूँ आपको। फ्लैट रिटर्न क्यों दिखता है निफ्टी में? क्योंकि लोग ऊपर के भाव में घुसते हैं, नीचे के भाव में फिर अटक जाते हैं या बेच देते हैं या एवरेज करते हैं। एवरेजिंग इज़ ग्रेट, बट 12% साल का जो बोलते हैं ना, अपने बिजनेस में भी उसूल रहता है, महीने का 1% चाहिए, तो साल का 12% 12% इन अ ईयर इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज यू विल इवेंचुअली गेट इट इफ़ यू कैन रोल ओवर योर पोजिशंस वेल। रोल ओवर कॉस्ट अगर आप मैनेज करें, निकालें, तो आप बना सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर हाउ टू एग्जीक्यूट प्रॉपर फ्यूचर्स ट्रेड्स, उसके पहले वो आप कमेंट में डालिए अपने कमेंट्स। उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा, वो कैलकुलेशन ख़त्म करता हूँ। 10 लाख रुपया है तो 50 लाख के ट्रेड आप लेते हो, चलो 12% आपने नहीं भी कमाया, साल का सिर्फ 7% FD रिटर्न्स कमाया, 50 लाख पे 7% कितना हुआ? 3.5 लाख। 3.5 लाख कमाया ना, आपके तो कैपिटल खाली 10 लाख लगाया, लेकिन आपने लेवरेज लेके थोड़ा स्ट्रैटेजी करके 50 लाख के ट्रेड्स लिए निफ्टी में या कोई ब्लू चिप में, और आपने कमाया 7% जो FD रिटर्न था। लेकिन टोटल जब आप नेट नेट देखोगे तो आपके 3.5 लाख रुपये बन गए, यानी 10 लाख पे आपका 35% बना है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लेवरेज। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि फ्यूचर्स में एक्चुअली गेम क्या है। जो लोग समझ गए वो रोज़ ट्रेड नहीं करेंगे, वो एक अपने टाइम के लिए रुकेंगे, जब ट्रेड मिलेगा, जब बॉटम बनेगा, तो 7% 6% कमाना कुछ स्टॉक्स में इतना मुश्किल नहीं है, एज लॉन्ग एज दे आर ब्लू चिप स्टॉक्स एंड एज लॉन्ग एज स्टे इन्वेस्टेड। तो एग्जांपल्स मैंने बता दिया आपको, आप उस हिसाब से बताइए। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू वांट दिस प्रोग्राम, आई विल बी हैप्पी टू शेयर द लिंक। टेक केयर गाइस, सी यू।